उसके ऊपर ये फिल्म अगर बना रहे हैं तो उस सिलसिले में हम ऑडिशन ले रहे हैं, और अभी तो कुछ टैलेंट आ रहा है उभर कर। दर्दे किसान, दर्दे किसान, किसान का दर्द, दर्दे किसान। मेरा किरदार नहीं, मैं सिर्फ ऑडिशन लेने के लिए। तो इतने समय बाद आप कहाँ डिसअपीयर हुए थे? चंद्रावल हिट की एक तब अपने टाइम की। नहीं नहीं, उसके बाद तो हमने हरियाणा में समझिए कि सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई हैं। लाडो बसंती बनाई, और सारी अलग अलग थीम पे हैं। फिर फूल बदन बनाई, जाटनी बनाई, चंद्रावल 2 बनाई, तो इसमें सारे अलग अलग हैं। और क्या बॉलीवुड? नहीं नहीं, ऐसा है कि किस कारण से जाते हैं, कि फेम के लिए या पैसे के लिए, तो दोनों ही चीज़ मेरे पास चंद्रावल के बाद थी या पहले भी थी। और मैं बेसिकली कथक की नृत्यांगना रही हूँ दिल्ली, बिरजू महाराज एंड जयपुर घराने से गुरु कुंदनलाल गंगानी जी मेरे गुरु रहे। तो हमें मतलब महाराज जी भी यही कहा करते थे कि फिल्मों में नहीं, तो हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था फिल्म में। तो चंद्रावल क्योंकि मेरी अपनी फिल्म थी, मैं उसकी निर्माता भी हूँ हीरोइन के साथ साथ, लीडिंग रोल भी मैंने किया था उसका। तो मेरे जो हस्बैंड देवी शंकर प्रभाकर साहित्यकार रहे हैं हरियाणा के, तो वो इसके मतलब सारे डायलॉग लिरिसिस वगैरह सब कुछ उन्हों का था। तो हम दोनों ने मिलके बनाई थी, और तब ये मेरा बेटा छोटा था। अगर आपने देखी है तो उसमें जो छोटा बेटा कहानी पूछता है और जिसके पैर में वो बंधा हुआ है प्लास्टर, वो ये है। अच्छा। बहुत राइट, ये ढोर की बात है ये। तो ये था। तो अभी आपको एमपी माही जी ने कैसे कांटेक्ट कर लिया, ये डायरेक्टर हैं इनके? हाँ, अभी ये तो यही बताएंगे। अब इनसे पूछे कि उन्होंने कैसे कांटेक्ट किया। लेकिन कांटेक्ट तो हमने किया इनसे। तो अभी आपका क्या रोल रहेगा इस फिल्म के अंदर, कुछ रहेगा या कुछ कोऑपरेट करेंगे? हाँ, कोऑपरेट करूँगा जिनको, जो भी इनको कोई चीज़ चाहिए कुछ, उनको दे वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग, मोस्ट वेलकम टेक्निकली और कुछ भी, तो जो भी होगा वो हम उनको बता देंगे। बाकी देखो, जो एक फाइनल वो रहता है अथॉरिटी या फाइनल जो चॉइस ने डिसीजन लेने का, वो इनका अपना पर्सनल रहेगा। हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते। दैट इज क्रिएटिव। हरियाणवी में या हिंदी में? हिंदी में। और चंद्रावल एंड चंद्रावल 2 दोनों मास्टर हिट्स रही हैं, कैसा फील होता है आपको? इनफैक्ट आई वुड से कि चंद्रावल 1 वाज अ बिग हिट, बट चंद्रावल 2 इतनी हिट नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत कैंडिडली बड़ा ऑनेस्ट रहूंगा इसमें कि चंद्रावल 2 इसलिए हिट नहीं रही कि उसमें कुछ, ये नहीं मैं कहूँगा कि खामियाँ या वो, बट उसमें ओवरऑल अगर आप हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री की आज बहुत बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री उठ पाएगी। इन दी सेंस कि बहुत चीज़ें, बहुत सिनारियो 84 से अब तक चेंज हो गया, ठीक है। अब लोग आ गया थोड़ा सा, मैंने देखा कुछ गानों में ऐसा। लेकिन दोनों फिल्मों में टेक्निकली मतलब कि पहली चंद्रावल को कहेंगे कि वो आर्ट के हिसाब से अच्छी थी, और जो सेकेंड चंद्रावल है वो टेक्निक, हाँ टेक्नोलॉजी के बहुत सुपर। अभी कुछ वांछित कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। करेंगे, है टॉपिक्स हैं, माय डैड हैड डन लॉट ऑफ वर्क, हिस्टोरिकल वर्क तो है। लेट्स सी जब होगा उसके लिए आपको टिपिकल फ्रेम ऑफ क्रिएटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आना पड़ता है, आपको सिक्लूजन में जाना पड़ेगा, देन आई विल वर्क ऑन इट। बट अभी मेरा वो चल नहीं रहा। ये माही जी बताएंगे, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर उधर बैठे हैं, आप उनसे पूछो। हमारा इसमें लगभग 50 लाख के से लेकर 1.5 करोड़ तक हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा फर्स्ट प्रयास है, पहले हमने शॉर्ट मूवीज की थी, टेली मूवीज की थी, कुछ सॉन्ग्स किए थे, तो उसके बाद में हमारा जो एक प्रयास है, बड़ा प्रयास है वो ये। तो इसने हमने टॉपिक ये लिया दर्दे किसान, क्योंकि हमने ज़मीन स्तर से जुड़ा हुआ हूँ, तो गाँव में और किसानों की जो हालत देखती है तो उससे बड़ा अपील होता है कि उसमें क्यों ना चेंजिंग लाई जाए। आज न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है कि किसान इतनी सुसाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा प्रयास किया जाए ताकि उसको
रोक तो नहीं सकते, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी फिल्म उसको रोकेगी, बट हम ये कोशिश करेंगे कि सुसाइड की जो वास्तविकता है उसको हम बता सकें, और उसमें कुछ किसानों के अंदर जागरूकता ला सकें ताकि ये चीज़ जो है सिस्टम कम हो सके। सर हम सोशल सब्जेक्ट पर सोचते रहते हैं, तो सोशल चीज़ों पर जुड़े हुए हैं, पूरी फैमिली सर किसान ही है, ये चीज़ देखी हुई है। तो हाँ जी बिल्कुल। तो सर जी जी आपके पास आते हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसे आपने हामी भर दी, किसान का टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है आजकल, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद आप किसान हूँ। आप खुद किसान हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता है खुद ही। बिल्कुल, आप जैसे भी हमें खासकर के पंजाब हरियाणा में जो बहुत चल रहा है सभी को मालूम है, क्योंकि एक किसान होने के नाते हमें बहुत दर्द है, किसान को बहुत मुश्किलें आती हैं हर एक जगह, हर एक मोड़ पर मुश्किल आती है। तो हमारी टीम ने सभी ने बैठ कर मैडम, तो टीम दर्द के साथ तो पहले नाम ही बता रहा है कि किसान का दर्द है। तो फसलों के बारे में कुछ बताया जाएगा, खेती के बारे में बताया जाएगा टेक्निकली। तो सर इसमें हम ये बताएंगे कि एक तो कि जो किसान आजकल तो है ना, दो प्रकार से किसान कर्जे के अंदर दबा हुआ है। एक तो आजकल जो माहौल चल रहा है फॉरेन का या कहीं और जाने का, बच्चे जैसे जाते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि फॉरेन ना जाकर अगर अपने इंडिया में ही कुछ किया जाए तो ताकि ये परिस्थितियाँ जो है ना बदल सके। दूसरी चीज़ है, हमारे इंडिया में बहुत कुछ है, मेहनत से अगर सब कुछ किया जाए तो उसमें सुधार ला सकता है। दूसरा, काफ़ी और इशू हैं जो कि हम फिल्म के माध्यम से दिखाएंगे। गाने मिल जाएंगे इसमें? हाँ सर, इसमें सॉन्ग भी होंगे, कुछ कॉमेडी भी होगी, क्योंकि दर्द किसान के साथ साथ बाकी जो है फिल्म को आगे लेने के लिए कॉमेडी भी होगी। कॉमेडी किसान के लिए सर, इसके अलावा भी जैसे स्टोरी के अंदर खास हीरो अभी सर बात चल रही है, अभी फाइनल कर देते हैं। तो सर किस तरह के किरदारों को देख रहे हैं आप, क्योंकि लिखा आपने हैं, तो किस तरह का किरदारों को चाहिए किसान के रोल में लीड रोल कर सके? अभी सर हमारी बात चल रही है, तो कुछ समय के बाद हम फाइनल कर देंगे। अच्छा, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते आप? सर बड़ी स्माइल नहीं, बिल्कुल सर, कुछ समय के बाद हम बहुत जल्द बता देंगे। वैसे शूटिंग वगैरह कहाँ? शूटिंग की क्या लोकेशन? शूटिंग हमारी कुछ चंडीगढ़ के आसपास, पंजाब में कुछ, कुछ हरियाणा के अंदर और कुछ हिमाचल के बारे में चल रही है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत मेहरबानी, आप सभी की बहुत बहुत मेहरबानी सर। काश काश ये तुम पहले कर देते तो मेरे पापा की जान नहीं जाती। अरे ये 2 लाख रुपए देके तुम हमें खरीद लेना चाहते हो, लेकिन तुम हमारे पापा को वापस तो नहीं ला सकते।